सामाजिक संगठन सर्वधर्म सेवा संस्था द्वारा सेंट्रल जेल दुर्ग में बुधवार को नशा मुक्ति संकल्प शिविर आयोजित कर जेल के समस्त कैदियों को नशा न करने तथा जेल से छूटने के बाद नशा मुक्ति अभियान में शामिल होने हेतु संकल्प कराया गया। इस मौके पर संस्था के संरक्षक वीरेन्द्र सतपति, अध्यक्ष प्रतीक भोई, महासचिव राकेश रत्नाकर, सचिव सीमांश मनोरोग चिकित्सालय के डायरेक्टर के एम एस खान, मनोरोग चिकित्सक डॉक्टर लोकेश चंद्राकर आदि ने कैदियों एवं बंदियों को संबोधित किया तथा प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ बिक रहे शराब व दिन ब दिन बढ़ते नशे के विज्ञापन पर चिंता जताते हुए कहा कि आज देश के युवा नशे और नशीली दवाइयों से प्रभावित होते जा रहे हैं। इस बढ़ते सैलाब को रोकना होगा। नशे से होने वाले नुकसान के बारे में कैदियों को अवगत कराते हुए उन्होंने आगे कहा, हर नशा गलत है, लेकिन ड्रग्स का नशा शरीर और मन के लिए हर तरह से बहुत ही हानिकारक है। मन नकारात्मक विचारों से भर जाता है। जीवन में क्या सही है और क्या गलत, कोई महत्व नहीं रह जाता है। और साथ ही कहा कि इस तरह के नशे से शरीर तो खराब होता ही, इसके साथ ही पूरा परिवार तबाह हो जाता है। इस मौके पर संस्था के लोग बड़ी संख्या में शामिल रहे। नमस्कार, मैं डॉक्टर लोकेश कुमार रंजन, मैं सीमांश से हूँ, मेंटल हॉस्पिटल है। चूँकि आज हम लोग यहाँ पे सेंट्रल जेल में ईश्वर धर्म संस्था से हम लोग यहाँ पे आए और यहाँ पे मरीजों से मिलने के बाद उनके साथ बातचीत करने के बाद एक प्रोग्राम कंडक्ट किए और हम उन्होंने नशा से संबंधित बहुत सारे बातें बताए कि कोई इंसान कैसे नशा से ग्रसित होता है, उसके कारण क्या होते हैं और उससे कैसे हम निपटारा पा सकते हैं। ये सारे चीज़ें हम लोग विचार विमर्श किए और उनको ये भी हम लोगों ने बताया कि आप इस नशे से कैसे दूर हो सकते हो और यहाँ से बाहर जाने के बाद आपको अगर किसी प्रकार का कुछ होता है तो वो हमारे इस संस्था से, हमारे दोनों संस्था से आप मिल के वो अपना एक उपचार का सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं वीरेंद्र सतपथी, पूर्व CSP भिलाई। मैं सर्वधर्म सेवा संस्था का संरक्षक हूँ। आज मुझे बड़ी खुशी हुई कि प्रशासन से अनुमति लेकर के हम, हमारी टीम व सीमांश हॉस्पिटल देवादा के डॉक्टर उनके सहायकों के साथ हम सेंट्रल जेल दुर्ग में आए और यहाँ जो सजायता कैदी हैं 250 कैदियों के बीच में सभागार में बैठ के हम एक परिचर्चा किए नशा मुक्ति के ऊपर। और जितने कैदी थे वो भी इस चीज़ को स्वीकारे कि नशे के कारण ही सब अपराध होता है। तो हम सबसे रिक्वेस्ट किए, काम क्रोध मद लोभ, ये चार तत्व जो हैं इनसे आप दूर रहें। और ये चार तत्व तो हमें कोई स्कूल कॉलेज या परिवार नहीं सिखाता, हमारी संगत सिखाती है। तो संगति अच्छी रखिए, अच्छा काम करिए। आप यदि अच्छे रहेंगे तो आपका परिवार ठीक रहेगा, आप अगर गलत रहेंगे तो आपका परिवार बिगड़ेगा। तो अब नशे से मुक्त रहें, यही हम सबको आज संदेश दिए और बड़ा अच्छा पॉजिटिव रहा हमारा आज का कार्यक्रम। और कैदी लोग जो सुने वो भी बड़े रुचि लेकर सुने और हमें उम्मीद है कि शायद हमारा परिचर्चा उनको पसंद आया और वो अपने जीवन में कुछ सुधार लाएंगे। धन्यवाद। मैं KMS खान, रिटायर्ड DSP, अभी आज सेंट्रल जेल यहाँ दुर्ग में हम लोग सर्व धर्म संस्था की तरफ से नशा मुक्ति के ऊपर में एक यहाँ पे कार्यक्रम आयोजित किया गया था। उस कार्यक्रम में हम अपनी पूरी टीम और सर्व धर्म संस्था के पूरे कार्यकर्ता और अधिकारी और जो भी है उसमें पदाधिकारी लोग सब आए थे और यहाँ पर अपने अपराधी जो भी हैं, यहाँ पे अपराधी लोग या जो यहाँ पे रहे हैं, उन लोगों को हम लोगों के द्वारा बताया गया और संस्था के द्वारा बताया गया कि नशे से किस प्रकार से मुक्ति पाया जाए, नशा ना किया जाए जो कि समाज के हित में नहीं है और मानसिक जो बीमारियाँ होती हैं इसी नशे के कारण होती है और नशे से ही सब ये मानसिक बीमारियां और उसके अलावा और भी दूसरी बीमारियां होती हैं। तो आज हम लोगों का यहाँ कार्यक्रम हुआ है नशा मुक्ति के संबंध में और जो कि सर्वधर्म संस्था के द्वारा किया गया है, इसके लिए मैं धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम प्रतीक भोई है, मैं संस्था का अध्यक्ष हूँ। आज हमने एक कार्यक्रम केंद्रीय जेल दुर्ग में नशा मुक्ति से संबंधित किया। ये हम भली भांति जानते हैं कि नशा जो है वो धीरे धीरे हमारे युवाओं को ख़त्म करता जा रहा है और हमारा देश, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि युवाओं का देश है और इस युवाओं के देश में नशे का इतने तेज़ी से बढ़ना वाकई हमारे लिए चिंताजनक है।
यदि इसे समाप्त करना है तो हम सबको मिलकर इस प्रयास में साथ आना पड़ेगा। साथ ही मैं शासन से भी निवेदन करूंगा कि ये बड़े दुर्भाग्य का है कि आज नशे की बिक्री में हमारा प्रदेश अव्वल है। यदि संपूर्ण इसे समाप्त करना है तो प्रशासन को भी साथ में आना पड़ेगा और इस विषय पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद। एसीएन न्यूज़ के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट।